स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था इंसेकॉग के ताज़ा बुलेटिन ने तमाम विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। संस्था की ओर से कहा गया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने कम्युनिटी स्प्रेड चरण में पहुंच चुका है। कई महानगरों में ऐसा हो भी चुका है, जिसके चलते कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन के भी एक और नए वेरिएंट BA2 के भी कई मामले देश भर में पाए गए हैं। इंसेकॉग की ओर से ये भी कहा गया है कि अब तक ओमिक्रॉन के मामले बिना लक्षणों वाले या फिर हल्के लक्षणों वाले थे, लेकिन मौजूदा लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले और ICU की आवश्यकता के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक नए वेरिएंट B1642 के बारे में कहा गया है कि इसकी गहन निगरानी लगातार की जा रही है। अभी तक इसके तेजी से फैलने के सबूत नहीं मिले हैं, वहीं भारत में इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है। संस्था की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और यहां पर तेजी से मामले सामने आने की संभावना है। बताया गया कि अब बाहर से आए व्यक्ति से संक्रमित होने वाले मामलों के बजाय आंतरिक संक्रमण के मामले सामने आएंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड से बचने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार, मास्क, सैनिटाइजेशन के अलावा वैक्सीन प्रमुख हथियार हैं। न्यूज रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।